फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, पूजा इज हियर। फ्रेंड, आज मैं आप सबके साथ 10 किचन के टिप्स लेके आई हूँ जो कि बहुत यूज़फुल है डेली लाइफ में। तो इस वीडियो का पूरा देखिए फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर कीजिए, और न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या है 10 टिप्स जो बहुत यूज़फुल हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। टिप नंबर वन दोस्तों, कई बारी फ्रिज में ज़्यादा सामान होने से फ्रिज में बदबू हो जाती है, सो इसके लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप एक अखबार ले लें या फिर आप टिश्यू पेपर ले लें, उसे हल्का सा गीला कर दें पानी की सहायता से, और इसको अनटाइटली ऐसे क्रश करके फोल्ड कर लें और 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। इसके अलावा आप नींबू भी कटा हुआ रख सकते हैं, तो इन दोनों को चलिए रखते हैं। तो मैं फ्रिज के सेंटर में रख रही हूँ नींबू, और ये दोनों में से आप एक भी रख सकते हैं दोस्तों, और 7 से 8 घंटे के बाद आप निकाल दें तो बदबू चली जाएगी दोस्तों। टिप नंबर टू है दोस्तों, दूध। दोस्तों, हम जब भी दूध गर्म करते हैं और नज़र हटाते हैं तो दूध गिर जाता है, तो दूध ना गिरे उसके लिए हम क्या करेंगे, रिफाइंड ऑयल या फिर थोड़ा सा घी जो है वो ऊपर की साइड में लगा देंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि दूध में जब उबाल आएगी तो वो गिरेगा नहीं दोस्तों। है ना ये बहुत अच्छा। हमारी दूध दोस्तों फट जाता है गर्मी की वजह से, और हम फ्रिज में रखना अगर भूल जाते हैं, दूध फट जाता है। दूध फटने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि फटे हुए दूध से आप पनीर निकाल करके फ्रिज में रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। किसी भी कॉटन कपड़े की हेल्प से आप पनीर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक दिन मैं भी भूल गई थी और दूध फट गया था, मैंने उससे पनीर निकाल के रख लिया है दोस्तों। है ना ये बहुत अच्छा आइडिया दोस्तों। दूध पीने वक्त जो हम मलाई होती है वो हमारे मुंह में आती है तो हमें पसंद नहीं आता है, तो दोस्तों उस मलाई से हम घी निकाल के स्टोर कर सकते हैं। इससे आप पैसे की भी सेविंग कर सकते हैं और वो बहुत ही हाइजीनिक होता है दोस्तों। दोस्तों, एक हफ्ते तक आप जो भी मलाई की परत है वो आप निकाल लें किसी भी स्पून या चौड़े ऐसे सहारे से आप निकाल कर स्टोर करते जाएं फ्रिज में रख के। तो ऐसे जब एक हफ्ता हो जाए उसके बाद आप इसे घी निकाल लें। तो दोस्तों, घी निकालने का प्रोसेस जो है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है दोस्तों, और किसी भी कंटेनर में, किसी भी एयर टाइट कंटेनर, जो कांच का हो, जो ग्लास का हो, ऐसे आप स्टोर करके रख लें। तो है ना ये बहुत अच्छा टिप्स दोस्तों। जब दूध हल्का गर्म हो तो आप एक बाउल में निकाल लें दही जमाने के लिए। दोस्तों, दही जमाने के लिए आप दूध हल्का गर्म रहने दें, उसके बाद आप थोड़ा सा इसमें दही का जूरन डाल दें, यानी थोड़ा सा दही डालना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप डाल दें और इसको रात भर के लिए छोड़ दें ढक के, और अगले दिन क्या होगा कि आपका दही जम जाएगा। अभी गर्मी का समय है और लंच में दही बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, ये दही जमा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी जमा रखा है। तो इस तरीके से आप दूध से घर पर ही दही भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, और दूध को फटने से भी बचा सकते हैं दोस्तों, और फटे हुए दूध का पनीर भी निकाल सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही अच्छा किचन टिप्स दोस्तों, ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं अब टिप नंबर थ्री की तरफ। दोस्तों, टिप नंबर थ्री में है कि हम बाज़ार से बहुत सारी हरी सब्जियां लाते हैं और उसको अगर टाइम पे हम ना बना पाएँ तो वो ख़राब होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, इसको इस तरीके से आप धो लें, इसके बाद आप पेपर या टिश्यू पेपर या फिर आप पेपर बैग की हेल्प से एक एयर टाइट कंटेनर में या फिर जो फ्रिज का कंटेनर होता है उसमें आप स्टोर करके रखें। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से रखना है इसको। इस तरीके से आप इसको पेपर में अच्छे से फोल्ड करके रख लें तो आपकी सब्ज़ी ख़राब नहीं होगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा इसको दबा के हम फोल्ड नहीं कर रहे हैं, बस हल्के हल्के हाथों से फोल्ड करके इस तरीके से इसको पेपर बैग जैसा। और जो ये मेरा फ्रिज का कंटेनर है, मैं इसको इसमें ही रखती जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो एक मैंने आपको दिखा दिया, बाकी मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है।
तो है ना ये बहुत अच्छा आइडिया दोस्तों। अब चलिए भिंडी कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये दोस्तों मैंने एक कंटेनर ले लिया है, अब इसमें मैं भिंडी रख दूँगी। ध्यान रखिए दोस्तों, जो भी आप बाज़ार से अभी सब्जी ला रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो उसको हल्का सा गर्म पानी में नमक डाल के हल्का सा निकाल लें, उसके बाद ही आप अपनी फ्रिज में स्टोर करें दोस्तों, क्योंकि मार्केट में सब्जी कई हाथ से जा रही है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसको मैंने धुल लिया है अच्छे से और इसके बाद मैं इसको एक कंटेनर में रख रही हूँ दोस्तों। ये मैंने भिंडी रख दी है और इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया दोस्तों। तो ये सारा चीज़ मैंने इसमें रख दिया है ना ये बहुत ही अच्छा टिप दोस्तों। तो आप इसको जरूर से ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। मैंने रख दिया इसमें दोस्तों हरी मिर्च हम मार्केट से लेके आते हैं और इसको 10 से 15 दिन के लिए कैसे हम स्टोर करें कि हमारा हरी मिर्च ख़राब नहीं हो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। हरी मिर्च की डंडियाँ हम तोड़ लेंगे दोस्तों इस तरीके से। मैं आपको कुछ तोड़ के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको तोड़ लेना है, इस तरीके से आप सारा तोड़ लीजिए। मैंने ये सारा डंडल निकाल लिया है, अब मैं इसको एक कंटेनर में रख लेती हूँ। और इसको मैं प्रॉपर बंद कर दूंगी, है ना ये बहुत ही अच्छा टिप्स दोस्तों। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी तो ये मेरी हरी मिर्च ख़राब नहीं होगी। फिर टिप्स में है दोस्तों लहसुन गार्लिक। दोस्तों जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो ये बहुत हमें टफ लगता है कि उस समय हमें लहसुन छिलना पड़ता है, और ऑफिस हो या फिर अगर बच्चे का स्कूल हो तो लेट होने लग जाता है फ्रेंड। तो आप चाहें तो लहसुन छील के और फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। और इजली छिलने के लिए कई तरीके हैं। मैं क्या करती हूँ, 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में लहसुन डाल देती हूँ, फिर इसका छिलका बहुत ईजली मैं निकाल लेती हूँ। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसी कर देती हूँ, फिर मैं छिल के आपको स्टोर करके दिखाती हूँ दोस्तों। सारा लहसुन मैंने छील लिया है, अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लूँगी दोस्तों। इससे मेरा लहसुन स्टोर भी हो गया और मेरी कुकिंग के लिए आसान भी हो गया दोस्तों। मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज में रख देती हूँ दोस्तों, है ना दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टिप्स। मैं दोस्तों जब भी हम मार्केट से कोई नया बर्तन लाते हैं तो स्टिकर हमें इजली अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि गैस पे हम इसे गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसका स्टिकर निकालना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम गैस पे गर्म कर लेंगे इसको, इसके बाद मैं इसका स्टिकर निकाल लूँगी। ये देखिए निकल रहा है ना दोस्तों, इसमें हमारा टाइम बच गया। इस तरीके से हम बाकी का भी निकाल लेंगे दोस्तों। अगर ये थोड़ा बच जाता है तो अब जब बर्तन वॉश करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा दोस्तों, है ना ये बहुत आसान सा टिप्स। इसमें दोस्तों अगर हम दलिया लाते हैं मार्केट से और इसको हम पूरा ना यूज़ करें तो इसमें कीड़े लगने लग जाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा फ्राई करके हल्का सा भून के एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे दोस्तों, रूम टेम्परेचर पे। इसी तरीके से अगर आप सूजी है, आपने हलवा नहीं बनाया या फिर किसी भी कारण सूजी आपका बच गया है और वो ख़राब हो रहा है, तो उसको भी आप ऐसे हल्का सा भून लें, उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रख दे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पास ब्रेड बच जाता है तो ब्रेड को भी आप इसी तरीके से उसका चूरा बना लें ग्राइंडर में और उसके बाद भून के फ्रिज में इसको एयर टाइट कंटेनर के साथ रख लें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मूंग दाल होती है जो हम बच्चों को भी देते हैं या खुद भी खाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। उसको भी वो भी अगर आपके पास ख़राब हो रहा है तो उसको आप इस तरीके से भून के एयर टाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे दोस्तों रख लें।
इस तरीके से मैंने इसको भून लिया है। मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में आपको बंद करके दोस्तों दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है, अब मैं इसको बंद कर दूँगी एयर टाइट कंटेनर में। मैंने इसको बंद कर दिया है, अब ये सेफ़ है दोस्तों। इस तरीके से आप ये दलिया है, उड़द दाल होती है, या फिर सूजी है, या फिर आपका ब्रेड बच जाता है, तो उस इस तरीके से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बस ब्रेड को आपको ग्राइंडर में चूरा बना के उसके बाद फ्राई करके उसके बाद आप फ्रिज में उसको रख दें तो वो सेफ़ है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि दलिया या उड़द दाल या फिर सूजी, वो आप रूम टेम्परेचर में एयर टाइट कंटेनर में बंद करके दोस्तों रख दें, तो है ना दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टिप्स। चलते हैं आगे की टिप्स पे। टिप्स में दोस्तों हम चावल बनाएंगे। चावल या दाल हम कुकर में कम से कम समय में कैसे बना लें, और जो फ्रेशर है वो कैसे बनाएं, किसी भी चावल को, बासमती हो या कोई भी चावल हो, उसको हम कैसे पकाएं आसान तरीके से। दोस्तों मैंने एक कटोरी, एक बाउल चावल ले लिया है, उसको मैं कुकर में डाल दे रही हूँ। अब मैं इसको इसी में साफ़ कर लूँगी दोस्तों 2 से 3 बार। मैंने चावल धो लिया है, अब मैंने एक बाउल इसमें चावल लिया था तो मैं इसमें 1.5 बाउल पानी का यूज़ करूँगी। अगर आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं, एक छोटा ग्लास अगर आप चावल यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 छोटा ग्लास आप पानी यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सिर्फ एक सीटी में इसको पकाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम चावल बनाते हैं तो पानी बाहर निकलने लगता है, या फिर दाल बनाते हैं तो कुकर की सीटी से बाहर निकलने लगता है, तो यहाँ पर आप क्या करो कि थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में लगा दूँगी और इसकी ये साइड में लेयर में, क्या होगा कि जो चावल की पानी है वो बाहर नहीं आएंगे, या फिर आप दाल बनाते हो तो दाल बाहर नहीं निकल के आएगा कुकर से। दोस्तों चावल बिल्कुल खिला खिला बन गया है, और जो कुकर का ढक्कन है उससे पानी भी नहीं बाहर आया है, बिल्कुल क्लीन है। देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने क्या किया था, इस पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी लगा सकते हैं दोस्तों, तो है ना ये बहुत ही अच्छा टिप्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नवा टिप्स है रोटी का, कि हम कम समय में कैसे जल्दी से रोटी बना ले। दोस्तों तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है दोस्तों, और दोस्तों जैसे कि आप अगर वर्किंग हो, ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपको अपने काम के लिए भी टाइम निकालना है, या फिर आपको बच्चों के लिए बनाना है रोटी, या फिर पूरी फैमिली के लिए बनाना है, उसके बाद आपको अपने लिए टाइम निकालना है, तो कम समय में रोटी कैसे बनाएं। जैसे कि मैंने क्या किया है, जो लोई थी उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके चौड़ा कर लिया है, तो एक साथ मैं आपको 5 रोटी बना के दिखाऊंगी दोस्तों, क्योंकि मुझे टोटल 10 रोटी बनानी है, 2 बार में ही मैं कंप्लीट कर दूंगी। जो सबसे नीचे की लेयर है इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन जो इसके ऊपर ऊपर की लेयर है उसमें मैं क्या करूंगी, घी या फिर रिफाइंड ऑयल लगा के इसको एक के ऊपर एक रख के रखूँगी, और उसके बाद बेलूँगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों बेल लिया, ये देखिए, अब मैं इसको, तवा गर्म है मेरा, मैं तावे पे रख दूंगी। और इसको मैं पकाऊंगी दोस्तों। पकने लगा है और लेयर देखिए दोस्तों अलग होने लगी है। आप इसको एक एक लेयर को निकालें और तावे पे पकाते जाए दोस्तों। तो ये हमारा दूसरे साइड का भी जो रोटी है वो पक जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम जितनी भी रोटियां हैं सबको पका लेंगे दोस्तों, तो एक ही बार में क्या होगा कि ये 5 की 5 रोटियां तैयार हो जाएंगे। तरीका भी बता रही हूँ दोस्तों, बिना घी और बिना बटर के और बिना आप रिफाइंड ऑयल के भी 2 रोटी एक साथ बना सकते हैं। जैसे कि मैं, कि 2 रोटी मैंने बेल के रखी है, मैं इसको तवे पर रखूँगी, तवा मेरा गर्म है, इसके ऊपर ही मैं दूसरा रख दूँगी रोटी दोस्तों। रख दिया मैंने, अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने दूंगी दोस्तों। पकने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे पलट दूंगी एक पलटे के हेल्प से। दूसरी तरफ भी देख लूंगी। देखिए दोस्तों ये अलग ही है। है ना ये बहुत आसान तरीका, एक साथ 2-2 रोटी पकाने का, या एक साथ 5-5 रोटी बनाने का दोस्तों।
आप एक साथ 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप नंबर्स ऑफ रोटियां बना रही हैं उसके हिसाब से आप डिवाइड करके ये अपना आप टाइम बचा सकती हैं दोस्तों। नीचे की रोटी पक गई है एक तरफ से अच्छे से, अब मैं इसको एक तरफ से और पका लूंगी। इसको भी इस साइड से पका लूंगी। अब दोस्तों ये जो फुलका है इसको मैं फुलका रोटी चपाती जो भी आप कहते हैं इसमें लगाइए। अब देखिए रोटी कितनी फुली फुली सी बनी है दोस्तों, है ना ये बहुत अच्छा तरीका रोटी बनाने का। हाउस वाइफ के लिए भी आसान है और जो लेडीज़ हैं वर्किंग हैं, जो वुमेन वर्किंग हैं या गर्ल्स वर्किंग हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है दोस्तों। अब मैं इसी तरह पका लेती हूँ। तो एक साथ दो दो रोटी फूले फूले तैयार है दोस्तों, और मैं आपके सामने ही बना के दिखा रही हूँ दोस्तों, है ना ये बहुत आसान। ये देखिए मेरी दोनों रोटियां एक साथ तैयार हो गई हैं। अच्छा टिप्स है ना दोस्तों। दोस्तों चीनी में अभी गर्मियों में चींटियां लग जाती हैं, तो चींटियों से बचाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ लौंग डाल देंगे यानी क्लोव्स डाल देंगे दोस्तों, और इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके वापस से रूम टेम्परेचर पर रख देंगे दोस्तों। सो है ना ये बहुत ही अच्छा टिप्स, तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। Oh,